News 24, Think First। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दें, मंजू वर्मा के इस्तीफे को लेकर बीजेपी में मतभेद। ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी मंजू वर्मा के साथ है, उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है। मंजू वर्मा के इस्तीफे पर भारतीय जनता पार्टी में कहना कि मतभेद नजर आ रहा है। ट्वीट करके कहा गया है कि बीजेपी मंजू वर्मा के साथ है। भारतीय जनता पार्टी मंजू वर्मा के साथ है, उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है, ट्वीट करके ये बात कही गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। मुजफ्फरकांड को लेकर लगातार जांच आगे बढ़ती नजर आ रही है। सुशील मोदी ने कहा है कि बीजेपी पूरी तरह से मंजू वर्मा के साथ है। और मतभेद हम क्यों कह रहे हैं आपको बता दें, सुशील मोदी कह रहे हैं कि बीजेपी मंजू वर्मा के साथ है, लेकिन सीपी ठाकुर का बयान आता है कि मंजू वर्मा को जल्द से जल्द इस्तीफा अपने पद से दे देना चाहिए। पार्टी में ही मतभेद की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है और बारीकी से जांच हो रही है हर पहलू पर। बीजेपी पूरी तरह से मंजू वर्मा के साथ है, ये सुशील मोदी कह रहे हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड को लेकर बीजेपी नेता सीपी ठाकुर ने जेडीयू नेता मंजू वर्मा से इस्तीफे की मांग की है। इस कांड में मंजू वर्मा के पति का नाम सामने आने के बाद सीपी ठाकुर ने कहा कि सीबीआई से क्लीन चिट मिलने तक मंजू वर्मा को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। डिपार्टमेंट में रहते हुए इतना दिन से जब कोई गड़बड़ी चल रही थी उसकी जानकारी होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो कम से कम जब तक कि इंक्वायरी हो रहा है तब तक रिजाइन कर दें। अगर सीबीआई कहे कि नहीं, ये लोग का कुछ ही नहीं है, फिर अपना ज्वाइन करेंगे, उसके कोई बात नहीं। एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए इससे ज़्यादा हम बोलना नहीं चाहते, हम नहीं बोलना चाहते हैं, इतने पर करना चाहते हैं। एक जगह का नहीं है वो, जो रिपोर्ट सब आया है सुखाली मुजफ्फरपुर नहीं है उसमें, उसमें तो और डिपार्टमेंट है, और जगह का है, आड़ा का आया, तीसरे जगह का आया, चौथे जगह का आया, लेकिन जो जिसका डिपार्टमेंटल हेड है उसको तो इतना बड़ा कांड जो अब इंटरनेशनली हो रहा है, मॉरल ग्राउंड तो करना चाहिए। फिर सीबीआई कहेगा कि लोगों का कुछ नहीं है, अपना ज्वाइन करेंगे, रहेंगे मिनिस्टर एक महीना का, तो शायद एक ही महीना में करेगा इंक्वायरी एक महीना का। मेरे सहयोगी सौरभ कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं, इस खबर पर और जानकारी देंगे। सौरभ, मतभेद बिल्कुल सामने हैं। सीपी ठाकुर कहते हैं कि जब तक जांच चल रही है मंजू वर्मा को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इस्तीफा दे देना चाहिए, और सुशील मोदी कह रहे हैं कि मंजू वर्मा के साथ पूरी बीजेपी खड़ी है, कोई चार्ज नहीं उनके खिलाफ। जी बिल्कुल, जब मामला सामने आया था तो विपक्ष काफी हंगामा किया था और विपक्ष का ये कहना था कि निश्चित तौर पर नैतिकता के आधार पर मंजू वर्मा को इस्तीफा दे देना चाहिए, कारण उनके पति का इन्वॉल्वमेंट साफ तौर पर दिखाई दे रहा। उसके बाद कल जिस तरीके से सीपी ठाकुर ने कहा था कि नैतिकता के आधार पर मंजू वर्मा को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार पर एक प्रेशर बनी थी, सरकार के अंदर ये बातें होने लगी थी कि अब सरकार के अंदर जो नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वह इस्तीफे की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।